ये आ गया जी हमारा पहला बकरा दोंदा, ये चोगा है और ये छिक्का है, छह दांत है। आओ जी ये बकरा ले लिया है। सो भाई लोगों हम डिसअपॉइंट होके इधर से निकल गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। तो यार हमने फ्लैट चेंज कर लिया है, लेकिन फ्लैट का जो व्लॉग है ना वो इससे नेक्स्ट होगा। अब हम आ गए हैं 24/7, जो कांत मिला था उनको पता होगा, मार्केट के बैक पे ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। इधर हमने अब फ्लैट लिया, पिछले फ्लैट की जो स्टोरी थी वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो ये है कि मैंने सारी चीज़ें तकरीबन आपको बताई हुई हैं, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताया कि हम मेस में क्या करते हैं, ठीक है, कहाँ से खाते हैं और मेस में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आज बाकी हम तकरीबन मेस का सारा सामान जिसमें चिकन, आटा, चावल वगैरह वो तो ले आए थे, लेकिन हमारे मेस में हर मंथ एक बकरा होता है, ठीक है। तो आज हम लेने जा रहे हैं बकरा और हम जा रहे हैं बकरा मंडी। तो आपको रास्ता भी दिखाऊंगा। तो काफ़ी लड़के पूछते थे कि भाई बकरा मंडी किधर है, कैसे है ये वो, तो मैंने कहा आज व्लॉग बना दूँ जिससे आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी कि भाई किस जगह बकरा मंडी है, क्या सीन है, क्या रेट चल रहे हैं। तो आज चलेंगे हम बकरा मंडी, बकरा लेंगे, पिटवाएंगे, सारा सीन दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जी लड़के तैयार हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ? बकरा लेने। चलो चलते हैं बकरा लेने। चलने चलने वाल उन्हें रख दे काली शाल, अटके नरता रुमाल तेरी अरीसा तोड़ कर। सो गाइस रास्ते में हम रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। तो जो रास्ता है वो आपको मैं रास्ते में दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं कि इधर से जो जिस कान से हम गाई आता है रास्ते में, गाई आता है, ठीक है, जो पुलिस चेक पोस्ट होती है उसके सामने से सड़क एक निकलती है जो एयरपोर्ट को भी जाती है, ठीक है। तो उधर से हमने टर्न लेना है, वो आपको दिखाऊंगा। और दरदोई बाज़ार का सबको पता होगा, तो उस साइड पे हमने जाना है, दरदोई बाज़ार और एयरपोर्ट वाली जो रोड है तो उस साइड पे हमने जाना है। तो अभी फंसी पेट्रोल डाल रहे हैं। क्वालिटीज़ होती हैं 92 और 95, दो होती हैं बल्कि, एक 92 होती है और एक 95 होती है, और 64 सोम पर लीटर पेट्रोल हो गया। इधर लास्ट ईयर 32 था, 29 भी था, ये 1000 सोम का 15 लीटर तकरीबन पेट्रोल आया। पेट्रोल भाई पूरी दुनिया में महंगा हुआ है, पाकिस्तान में नहीं महंगा हुआ। तो रोना धोना छोड़ दो, जैसे इधर अब डबल रेट हुआ, 32 से 64 हुआ। चलो, गाय है पुलिस चेक पोस्ट और इसके बिल्कुल ये सामने से रोड अंदर जा रही है, ये एयरपोर्ट वाली रोड जो कान से मोस्टली एयरपोर्ट इस रोड से जाते हैं। तो ये रोड सीधी जानी है, ये मेन मोटरवे पे जाके चढ़नी है, तो फिर आगे से आपको सारा रास्ता दिखाते हैं। ये दरदोई बाज़ार हम पहुंच गए हैं और ये देखिए दरदोई बाज़ार है। ये अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा दरदोई वाला, तो दो तीन व्लॉग जो छोड़ के दरदोई बाज़ार वाला व्लॉग भी, वो भी जाके देखें कि हमने विज़िट करवाया था। तो ये दरदोई बाज़ार वाली रोड सीधी हम जा रहे हैं अभी, ठीक है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि।
सो गाइस दरदोई बाजार के बाद दूसरा इशारा आता है, ठीक है। हमने तो निशानी रखी हुई है, वो ये जो येलो कलर की बिल्डिंग है, ये मॉल है, पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये इससे आपने इस राइट मोड़ना है, ठीक है। तो ये आगे आपको मैं बताता हूँ किस साइड पे जाना है। गाइज हम पहुंच चुके हैं बकरा मंडी किर्गिस्तान में। इसको किर्गिस्तान में भी इधर माल बाजार कहते हैं, तो हम कहते हैं ना माल, अब पाकिस्तान में माल डंगर, माल डंगर। तो इधर भी इसको माल ही कहते हैं। तो पहला बकरा आपको मैं दिखाता हूँ, ये आ गया जी हमारा पहला बकरा धोंदा। ये चोगा है, चोगा है, बुढ़ा हो गया। और ये छिक्का है, छह दांत। तो इधर आपको दुम्बे, हाँ ज्यादातर इधर दुम्बे खाते हैं, घोड़े खाते हैं, और बकरे भी होते हैं, पहाड़ी बकरे इधर होते हैं। तो अब जब हम बार्गेनिंग वगैरह करेंगे, देख बताएंगे कि क्या रेट चल रहे हैं बकरों के। ये जी घोड़े, इधर घोड़े वगैरह भी खाए जाते हैं। और ये जी दुम्बे हैं इधर, और ये पहाड़ी बकरे। जितना छोटा बकरा लोगे उतना जल्दी गोश्त गलेगा। दुम्बे में स्मेल होती है, वो ज़्यादा देर लेता है पकने में, बकरा जो है इजीली पक जाता है। दुम्बों का रेट ज़्यादा है इधर, और बकरों के रेट थोड़े कम है। ये देखिए ये धोंदा है, ये 4500 का, ये 5000 का, 5000 45 आज इनके पास मिलता, कोई लेने नहीं आता ना, आप थोड़े सा सस्ता बता रहे हैं। पिछली बार यही बकरे हमें 7000 का मिला था। बुढ़ा नहीं है ये, ठीक है, बन जाएगा। ये चोगा है, जुबा जी दांत को कहते हैं इधर। क्या कहना चाहोगे इधर, आपका रेट कितना लगेगा? यार कोई एनिमल एक्टिविस्ट है तो यार यहाँ पे आओ, बहुत जुल्म हो रहा है। हम भी चीन के गए हुए, तो कंगली इनको बचाएं, छोटे छोटे जानवर हैं, मेरे तो आंखों में आंसू आ रहे हैं इनको देख के। 5500 का जी वो धुंधा है, धुंधा दो दांत, जितने दो दांतों वाले को धुंधा, चार दांतों वाले को चोगा, छह दांत वाले जिसके बड़े फ्रंट वाले होते हैं उसको छिका, छिका। और जितने ज़्यादा दांत फ्रंट वाले बड़े होते हैं, छिका मतलब छह दांत वाला, वो ज़्यादा देर से उसका गोश्त गलता है, सख्त होता है गोश्त। जितना छोटा बकरा होता है उतना गोश्त टेस्टी होता है और जल्दी पकता है। और आपको पता है दांतों को बिगाड़ने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बुड्ढा। उसको बोलते हैं कच्चा खीरा। कच्चा खीरा, फिर ये वाला कच्चा खीरा है, बिल्कुल छोटे दांत है खीरा। वो ये मौलवी साहब लेते हैं, वो ये मौलवी लेते हैं, ये वाला मौलवी। इधर तो भाई इनके रेट बार्गेनिंग वगैरह चलती रहेगी। और ये इधर जी मंडी है, ये इधर मंडी है, और पीछे ही ज़बा खाना है, आपको ज़बा भी करके देते हैं, उधर लेते हैं बकरा, फिर चलते हैं उधर। तो गाइस हमारा तकरीबन हर महीने का यही होता है कि हम 10 किलो चिकन लेते हैं, 5 किलो चावल लेते हैं, और 15 किलो आटा लेते हैं, 1-2-3 किलो दालें वगैरह लेते हैं, और एक बकरा लेके जाते हैं इधर से। तो बकरा तकरीबन 15-16 किलो का होता है, तो जिसके तकरीबन 10 एक पैकेट बन जाते हैं, और फिर मिक्स माहौल चलता रहता है मैस में हमारे। तो ये जी हमारा मैस होता है। और आज यार एक करली हेयर्स में किसी ने तारीफ़ की, किसी ने हेट दिया, लेकिन यार ये क्रेज़ी चीज़ थी, एक दिल कर रहा था कराने का, तो मैंने कहा यार करवा लेते हैं। तो बाकी यार स्ट्रेट करवा लूँगा जल्दी, क्योंकि खुद ही हो जाएंगे, परमानेंट तो नहीं हुए, 2-3 महीने के लिए हुए हैं, हो जाएगा करवा। आओ जी ये बकरा ले लिया है, 5500 सोम कह रहा था, तो 4500 सोम लास्ट इसने कहा है, 4500 सोम का लिया पैसे। तो ये जी
लेके जा रहा है कसाई दबा खाने में, ये 20 सोम लेगा हमसे बकरा लेके जाने का। लेके तुम खुद भी जा सकते हैं लेकिन इनकी भी रोजी रोटी इसी से ही है ना, ये बकरा जबा खाने तक लेके जाने के 20-30 सोम लेते हैं। और इधर ये दुम्बे हैं, दुम्बों का रेट कम से 7,000, 6,000, 7,000, 8,000 होता है एक का, ज़्यादा भी होता है 9,000 तक भी होता है। ये मैं लोकेशन आपको इस बकरा मार्केट के अफसर शेयर कर दूंगा, तो जिसने भी आना वो इधर आके ले सकता है। रेट वगैरह अच्छे होते हैं, बार्गेनिंग वगैरह करो तो सही मिल जाता है। ये तकरीबन 15-1 किलो का है और लास्ट टाइम यही वाला हमें 6,500 का मिला था इसी रेट में। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़। ये जी जब्बा खाना, जब्बा करने से पहले दुआ कर रहे हैं जी, आमीन। तकबीर वगैरह पढ़ते हैं इधर, सारा सीन अच्छा होता है। तो यार ये लेते हैं तकरीबन 500 सोम लेते हैं, आपको काट के छोटे छोटे पीस करके आपको देते हैं, हड्डी छोटी करते हैं। बोटी छोटी नहीं कर, हड्डी वगैरह बस जो होती है बड़ी हड्डी होती है उसको 2 पीस कर देते हैं, बाकी काटना घर जाके खुद ही पड़ता है मोस्ट। अभी तो हम माल बाजार आए हुए हैं, डंगर माल डंगर बाजार। तो इधर से निकलते हैं, जाएंगे इधर से जाके फिर वापसी पर दरदोई बाजार भी रुकना है हमने, कोई शूज़ वगैरह लेने हैं और जो भी सीन बना के आपको दिखाते हैं। आप तो हमारे साथ ही है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, नीचे देखें ना सब्सक्राइब का बटन है उधर दबाएं, सब्सक्राइब करें यार, एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, कर दे सब्सक्राइब। ओके बेस्ट ऑफ लक। सो यार इस बार हम पाए और सिरी भी लेके जा रहे हैं साथ, देखेंगे ट्राई करेंगे सही बनती है नहीं बनती। सिरी जला कर देते हैं और पाए बगैर जले होते हैं, वो खुद बनाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस अभी हम रुके हैं दरदोई बाज़ार और इधर से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, शूज़ वगैरह और जैकेट्स वगैरह देखनी। सो गाइस तकरीबन हम 1:30 बजे आज उठे थे, कि हमें छुट्टियाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम हो गए हैं ना, तो इस वजह से हमारी मॉर्निंग तकरीबन 1:30 बजे हुई थी और नाश्ता वगैरह नहीं किया था। तो अभी हम इधर आके पहले सबसे पहले नाश्ता करेंगे और आपको बताएंगे कि दरदोई बाज़ार में इधर सबसे अच्छा कैफ़े कौन सा है, ठीक है। और अभी हम आ गए हैं ये कैफ़े पे, फूहो कैफ़े पे, ठीक है। और ये देखो स्पेनिश भाई जी आज हाथ धो रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार हाथ धो रहा है। तो ये कैफ़े यार ये जो मशहूर का स्टैंड है ना, ये मशहूर का स्टैंड है, इसके बिल्कुल सामने है, अच्छा है इसका, आए इधर आकर ज़रूर ट्राई करें। सो भाई लोगों हम डिसअपॉइंट होकर इधर से निकल रहे हैं क्योंकि इधर का लगमान अच्छा था तो, लेकिन लगमान नहीं है, अगर जब आपने आना तो लगमान इसका ट्राई करें, यहाँ के लगमान अच्छा है। सो दस्तरखान है वो भी रिमोंड हो रहा है, वही बन रहा है, वो भी नहीं ओपन। अभी हम आए हैं मदीना रेस्टोरेंट, आओ जी। हमने समझा था कोई और दूसरा लगमान होगा, पर ये जनाब सफेद लगमान आ गया, रैंक हो गया हमारे साथ। नाइस, बंदा कैसा है? अच्छा है। तो ये कैसा लगा? टेस्ट नहीं किया, इसको कहने कैसे खाना है? ओह नाइस। जी पाइन एप्पल का जूस निकलवा रहे हैं जी, बंद हो रही है दुकान, आओ देखो तुम जूस बनवा रहे हो। तो यार हम लेट हो गए हैं दरदोई बाज़ार से क्योंकि बकरा वगैरह लेते हुए खाते पीते थोड़ा टाइम लग गया, तो तकरीबन बंद हो रहा है दरदोई बाज़ार
और जैन ने लॉन्ग कोट लेना था, तो अभी हम वो दुकान तलाश कर रहे हैं कि भाई कहीं मिल जाए। सो गाइस, हम थोड़ा लेट आए थे, बाजार मौसम बंद हो चुका था और क्योंकि शूज़ वगैरह पसंद भी नहीं आए, कुछ दुकानें खुली थी और जिस पे इतने अच्छे शूज़ नहीं पड़े थे, बाकी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, ठीक है। बाकी ये जो मैंने जैसे पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है कंटेनर्स का बना हुआ, ठीक है। और बाकी इधर बहुत इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इधर। सो गाइस, दरदोई बाज़ार से निकल कर अभी हम आए हैं बिश्केक। इन्होंने प्रोटीन लेनी थी जिम के लिए, तो आज आपको एक प्रोटीन वाली शॉप भी दिखाते हैं जिस पर रेट जितनी पहले हमने ली हैं जहाँ जहाँ से प्रोटीन उन सब से सस्ते हैं। तो चलिए आपको। सो गाइस, ये शॉप है, ठीक है। और ये दरदोई प्लाजा वाली मेन रोड है, इधर से ये के एफ सी का बोर्ड लगा हुआ और ये मेन रोड है, इसी पे है। अच्छे रेट्स हैं इस पे ना, सही है। नाइट्रोटेक सिंपल सो गाइस, फाइनली हम अपने घर वापस आ चुके हैं। पहले जैसे कि आपको पता है बकरा लिया, उसके बाद बिश्केक गए, प्रोटीन वगैरह लेनी थी वो ली, और उधर से होके अब हम वापसी आए हैं बिश्के वापस कांत। ये 24/7 है मेरे बैग पे और इसकी ऊपर बिल्डिंग में हमारा फ्लैट है और टाइम हो रहा है 6। तो ठीक है, आपको मिलते हैं किसी और अच्छे ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।